जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर ब्लॉगर मै लाइफ कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अलहमदिल्ह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जरा अब आज हम बाहर निकले हैं आज हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए लाइक मुझे लगता है पूरा दिन ही बाहर गुजर जाएगा लेकिन मैंने सोचा आपको पहले रोड कंडीशन दिखाऊँ इतना स्नोई डे था इतना स्नोई डे था और रोड कंडीशन इतनी ख़राब थी मैं आपको बता नहीं सकती मुझे घर में पता था कि स्नो हुई है लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं रोड पे जाऊँगी तो रोड की कंडीशन क्या होगी अगर मुझे पता होता तो बिलीव करने मैं घर से नहीं निकलती क्योंकि रोड कंडीशन वाकई इतनी ख़राब थी जितना ये कैमरा मैन नज़र आ रही है ना उससे टेन टाइम ज़्यादा रोड कंडीशन ख़राब थी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था सामने इतनी ज़्यादा स्नो ब्लो कर रही थी इतना ज़्यादा वो विंडी था कि बहुत हालात ख़राब थे तो जब मैंने घर आके मैंने ये देजाना को बोला था कि मैंने कि बेटा ये क्लिप एक बना दो मेरे लिए लेकिन जब दिजाना ने एक क्लिप बनाया मुझे नहीं पता था कि उसमें वो सब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा जो रियलिटी में आ रहा था जब मैं इसको वॉइस ओवर करने लगी एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा मैंने कहा यहाँ पे तो इतना क्लीन लग रहा है लेकिन देखें अगर आपको अभी थोड़ा सा आइडिया मिला हो जैसे मैं यहाँ से अंडर द ब्रिज गुजरी हूँ तो आपने देखा होगा कितनी ब्लो कर रही थी स्नो तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे लेकिन काफ़ी दिनों से प्लान था बाहर जाने का बच्चों की कुछ अपॉइंटमेंट्स थी कुछ हम लोगों ने एक दो काम करने थे तो हमने सोचा चलो आज जाते हैं क्योंकि कल से सबका बच्चों का तो हो गया जी एक और वीक की ऑफ मिल गया उनको उन्होंने जाना नेक्स्ट मंडे से स्कूल लेकिन नवीद की जॉब कल से स्टार्ट हो जाएगी तो ऑफिशियली आज हमारा लास्ट था डे जिसमें हम एज़ अ फैमिली इंजॉय कर सकते थे तो नवीद को कुछ उनकी कल से क्लासेज होनी थी तो उनको क्लासेस के लिए प्रेपरेशन करनी होती है तो उन्होंने बोला कि मुझे घर छोड़ जाओ तुम लोग चले जाओ तो हम सारे आ गए थे मॉल क्योंकि मॉल में द जाना को कुछ अपने लिए पैंट्स ख़रीदनी थी आजकल आपको पता है कि ट्रेंड के मुताबिक बच्चों को चीज़ें चाहिए होती हैं तो आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया तो द जाना पिछले काफ़ी अर्से से मैंने इसको नोट किया था कि ये जीन्स वगैरह नहीं पहन रहा तो मैंने उसको बोला क्यों नहीं पहन रहा तो बोलता कि अम्मा मुझे अब नहीं चाहिए तो मैंने कहा चलो अगर लेनी है तो चल के मैं तुम्हें लेके दे देती हूँ तो आज हम लोग आए हैं हम लोगों ने दि के लिए लेनी थी जीन्स और बाकी बच्चों को खास ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए लेकिन देखेंगे कुछ मिल गया तो ले लेंगे नहीं मिला तो नहीं लेंगे तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल और मॉल में आज लोग थे ही नहीं हालांकि पार्किंग लॉट में इतनी गाड़ियाँ थी मुझे पार्किंग के लिए थोड़ा घूमना पड़ा लेकिन मॉल के अंदर लोग इतने नज़र नहीं आ रहे थे तो ये देखिए सारे स्पेशल जो इनके मौके थे सारे स्पेशल जो इनके इवेंट्स थे वो सारे गुजर गए हैं क्रिसमस आ गया वो चला गया न्यू ईयर चला गया तो लोगों ने खूब भर भर के शॉपिंग की और अब सब लोग रिलैक्स होकर घरों में बैठे हैं तो ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये तो नॉर्मल डे से भी बहुत ज़्यादा कम है लाइक इतना कम तो ऐसा होता ही नहीं है कि हम लोग मॉल आए और इतने कम लोग हों तो अच्छा भी लग रहा था कि खाली खाली मॉल है जिस स्टोर में जाना था कोई लाइनअप नहीं था कोई कुछ नहीं था अंदर जा रहे थे चीज़ें देख रहे थे और जो जो अच्छा लग रहा था वो ख़रीद रहे थे तो ये कुछ स्टोर्स हैं जिसमें तो जाना कि प्रेफरेंसेस होती हैं कि इसमें जाके उसने अपने लिए देखने होते हैं कपड़े तो देखें इसको कहाँ से नज़र आती हैं चीज़ें क्या पसंद आती हैं क्या नहीं और बस ना आप यही है कि आज कल आज कल एक्चुअली ये जो आज व्लॉग आप देख रही हैं मैंने कल फिल्म किया था आज कल मैंने आपको चिकन मंचूरियन वगैरह बना के दिखाया था वो था लेकिन वो मैंने रात में बनाया था तो ये दिन हमारा पूरा ऐसे गुजरा था तो कल के दिन में मैंने टू व्लॉग्स बनाए थे तो ये जो व्लॉग है वो कल का है तभी आपको रोड कंडीशन जो लोग एडमिंटन में रहते हैं अल्बर्टा में रहते हैं उनको पता होगा कि कल रोड कंडीशन कैसी थी आज भी हम लोग बाहर निकले लेकिन आज मैंने ड्राइव नहीं किया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है <laughs> कि बाहर क्या हालात थे लेकिन कल तो मैं बहुत डर गई थी मैं घर आई मैंने नबीद को बोला कि आप अगर मेरे साथ होते ना आपको इतना प्राउड फील होता कि जैसे मैंने ड्राइव किया लाइक आपको एक बड़ी वो अच्छी फीलिंग आती है ना कि आपने इतने बुरे वेदर में अच्छी गाड़ी चलाई और आपको ये नहीं होता मुझे हमेशा नवीद कहते हैं कि अगर वेदर खराब है रोड कंडीशन ख़राब है तो अगर आप थर्टी फोटी पे चल रहे हैं तो आप समझे कि आपने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई आप घर पहुंच गए लेकिन आपको स्पीड को भी मेनटेन रखना है और उसके साथ ख़ुद को भी सेफ़ रखना है और लोगों को भी सेफ़ रखना है जब सड़क के ऊपर कुछ गाड़ियाँ ऐसी नज़र आती हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रही होती है बहुत स्लो तो हमेशा मुझे नवीद कहते हैं कि ऐसे गाड़ी नहीं चलाना कि सड़क पर दूसरों को तंग नहीं करना क्योंकि जब लोग एक अपनी स्पीड में आ रहे होते हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे आज ये था कि मैंने गाड़ी की स्पीड भी अच्छी रखी लाइक जैसे चलानी चाहिए थी वैसे चलाई लेकिन ये मेरा इतने बुरे वेदर में फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैंने स्नो में बहुत गाड़ी चलाई है इतनी दफ़ा चलाई है कि मैं मैं काउंट भी नहीं कर सकती लेकिन इस तरह के वो जो एक विंडी स्नोई वो जो ब्लो कर रही थी ना उस वेदर में मैंने आज इस तरह से पहली दफ़ा चलाई कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था लाइक आपकी जो वो होती है ना नज़र वो एक लिमिट के आगे जा नहीं रही थी तो उसमें बड़ा मुश्किल हो रहा था और फिर रोड बड़े स्लिपरी स्नो पड़ रही थी लेकिन नीचे आइस की लेयर थी तो वो ऊपर से आपको लगता था सॉफ्ट है लेकिन वो गाड़ी बहुत ज़्यादा हेयर अंदर जा रही थी लेकिन अलहमद बड़ा ही अच्छा दिन गुज़रा बिज़ी लेकिन इतना थक गए थे वो आगे बहुत थक गए थे मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना कि अभी हम लोग मॉल आए हैं मॉल में हम लोगों ने शॉपिंग शॉपिंग की ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं की लेकिन हमें चीज़ें मिल गई थी जो हमने लेना था वो हमें मिल गया बच्चों को थोड़ा बहुत खिला पिला दिया और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए थे लेकिन मॉल में चूंकि लोग कम थे ना तो सारे काम जल्दी हो रहे थे लाइक हमने टोटल में भी टू टू एंड हाफ़ आवर्स स्पेंड किए होंगे मॉल में लेकिन लग ऐसा रहा था कि ऐसे पूरे दिन के जो काम होते हैं ना वो हमने टू टू एंड हाफ़ आवर्स में कर लिए थे तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मॉल में रश कितना है जितने ज़्यादा लोग होते हैं आपको स्टोर क्योंकि कोविड की वजह से आप अंदर जा नहीं सकते हैं तो उस वजह से ये होता है कि आपको अपनी लाइनअप के लिए वेट करना पड़ता है वो सारी चीज़ें देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत सारी जल्दी चीज़ें कर ली क्योंकि आज रश नहीं था तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं जनाब फिर मॉल से क्योंकि अभी मॉल से निकलने की जल्दी रीज़न क्या है ये मैं आपको बताती हूँ हमारा पहले प्लान था कि हम पूरा दिन ही मॉल में गुजारेंगे शाम में निकलेंगे और बस घर आके खाना शाना खाएंगे दैट सेट लेकिन मुझे याद आया था कि द को द जाना आपको पता बैडमिंटन प्ले करता है और इसके पैरों में काफ़ी पिछले दिनों से प्रॉब्लम हो रहा था पेन था कुछ इसके इक्लीस का प्रॉब्लम था और कुछ इस तरह के दो तीन प्रॉब्लम मिल चुके थे तो इसके मैंने अपॉइंटमेंट ली थी इसके ऑर्थोटिक्स के लिए कि द को ऑर्थोटिक्स बनवा के दे दें क्योंकि जब वो आपके पैरों की मूवमेंट में आपको हेल्प करते हैं तो मैंने अपॉइंटमेंट ली थी नवीद ने इसको लेके जाना था लेकिन चूंकि मैं बाहर निकली हुई थी मुझे नवीद ने बोला अब वहीं से तुम ही चली जाओ एज़ अ पेरेंट आपके लिए सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बच्चों की सिर्फ टेक केयर करनी होती है लेकिन इतनी ज्यादा मसरूफियात होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है तो बस जनाब हम लोग आ गए थे अंदर आ, उन लोगों ने हम जो हम लोग एक्चुअली थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे हमारी अपॉइंटमेंट के टाइम से 15-20 मिनट्स पहले हम लोग आ गए थे लेकिन लकीली उन लोगों ने हमें अंदर रूम में जल्दी बुला लिया था तो पहले उन लोगों ने बोला कि पेपर वर्क कर दें तो एज़ अ मॉम आपको पता है बेशक बेशाना माशाला इतना बड़ा है लेकिन ये सारे काम मैं ही करती हूँ अगर मैं साथ में होती हूँ अगर नहीं तो जाना ख़ुद कर लेता है तो ये इतने ज़्यादा पेपर वर्क इनके होते हैं पता नहीं कौन सी हिस्ट्री और क्या क्या ये लोग पूछते हैं कहाँ कहाँ इंजरी हुई कितनी देर लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो ये सारे काम देखने थे तो मैंने पेपर वर्क स्टार्ट कर दिया था और अब देखते हैं कितनी देर लगती है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है नवीद पहले आते थे आ, नवीद के नवीद ने भी अपने ऑर्थोटिक्स बनवाए थे और वो आते रहते हैं उनको पता है लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि टाइम कितना लगेगा तो बस मेरे मेरा यही दिल था कि ये वीक अगर तो जाना कोई लकीली ऑफ़ मिल गया तो इसी वीक में तो जाना अपना ये काम भी डन कर दे क्योंकि इनके ऑफिस की या इनकी क्लिनिक की जो टाइमिंग्स हैं वो टिल फोर ओ क्लाक तक ही लेते हैं अपॉइंटमेंट्स और आपको पता था जाना स्कूल से इतना लेट आता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था टाइम को मैनेज करना तो क्योंकि पहले हमें ये पता था कि दजाना ने स्कूल जाना तो मैंने उसको बोला था कि मैं तुम्हें अर्ली पिकअप कर लूँगी या बाबा अर्ली पिकअप कर लेंगे और तुम अपॉइंटमेंट पर चले जाना क्योंकि कोई ऐसी सूरत ही नहीं है कि तुम फोर के बाद अपॉइंटमेंट पर जा सको लेकिन लकीली वो एक वीक ऑफ़ मिल गया लोगों को इनकी छुट्टियाँ थोड़ी एक्सटेंड हो गई हैं तो हम लोग यहाँ पे आ गए तो अभी बस यहाँ पे दाना अपने पाओं की मेजरमेंट्स दे रहे हैं यहाँ पर आपके पाँव को आपके पाँव का पूरा डिज़ाइन ले लेते हैं लाइक जो आपके पाओं की शेप होती है वो ले लेते हैं उसके मुताबिक वो ऑर्थोटिक्स बनते हैं क्योंकि आपके पाँव को कमी कंप्लीट स्पोर्ट चाहिए होती है तो ये दि भी दे रहा है अपनी मेजरमेंट्स दे रहा है अपने पाउ की शेप दे रहा है और उसके बाद बस हम लोग यहाँ से डन हो जाएंगे लेकिन हम यहाँ से डन हो जाएंगे लेकिन हमारे काम डन नहीं होंगे हमने अभी और भी कुछ काम करना है मैं आपको लेके जाऊँगी अपने साथ यही मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था या स्टार्ट में बताया था कि मेरे आज बहुत बिजी डे है लाइक आज जितना वेदर खराब था ना इतनी गंदी रोड कंडीशन इतनी डेंजरस रोड कंडीशन और काम इतने ज़्यादा कि जो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और फिर मुझे ये था कि मैं आ गई हूँ बाहर तो मैं सारे काम कर ही लेती हूँ हालाँकि इसके बाद जो काम करना था वो इतना अर्जेंट नहीं था कि चलो एक आध दिन हम उसमें वेट कर सकते थे लेकिन मैंने कहा अगर मैं रोड पे हूँ तो क्यों ना मैं अपने काम डन करके जाऊँ हालांकि मैंने नवीद को घर आके बोला तो कहते हैं कि रोड इतने ख़राब थे तो वापस आ जाते आप लोग तो मैंने बोला नहीं बस मैं थी मैंने कहा बल अल्लाह मियाँ खैर रखे और मैं एहतियात से गाड़ी चला रही थी और मैंने कहा चलो अपने सारे काम हम डन कर लेते हैं तो यहाँ से हो गए हैं डन आप जरा देखें मौसम कैसा है इतना मज़े का वह सच्ची बात बताऊँ तो ये फील करने में मज़े का लग रहा था ऐसा नहीं था कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंड ठंड तो काफ़ी थी माइनस ट्वेंटी था लेकिन हमारे हिसाब से जो पिछले इतने दिनों से जो वेदर चल रहा था ना उस हिसाब से थोड़ा बेहतर हुआ हुआ था तो अभी आप देखें जैसे मेरे डोर कोला कितनी स्नो अंदर आई है तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं जब आप ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं ऐसी जगहों पर रहते हैं तो जहाँ पर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बेहतर होता है ना तो आपको बहुत बेहतर लगना शुरू हो, हो जाता है हंस रही थी मैंने कहा जब हम चूँकि पिछले इतने दिनों से माइनस थर्टीज़ में थे और माइनस फोटी को भी हमने टच किया लेकिन एकदम से क्या हुआ कि जैसे ही वो माइनस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फ़ोर पर आया तो हमें बेहतर लग रहा था ऐसा नहीं है कि बेहतर था लेकिन हमें बेहतर लग रहा था तो चलें जनाब अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट स्टॉप पे जो हम लोग आए हैं जी सुपर स्टोर और सुपर स्टोर क्यों आए हैं क्योंकि इतने कोल्ड वेदर की वजह से मीकाइल के हाथों पे थोड़ा सा वो जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है ना तो उसके बाद आपके हाथों पे कुछ रैशे आ जाते हैं तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई थी आपको याद होगा लास्ट वीक हम लोग गए थे अपॉइंटमेंट पे तो अभी हम लोगों ने उसने मुझे एक क्रीम रिकमेंड की थी उसने मुझे एक क्रीम प्रिस्क्राइब की थी तो वो प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है मैंने कहा मिकल के लिए वो मैं जाती हूँ फार्मेसी और वो मैं बनवा के लेके जाऊँगी और फिर मुझे सुपर स्टोर से एक दो चीज़ें भी पकड़नी थी मैंने कहा वो भी ले लेती हूँ तो आप ज़रा वेदर चेक करें कैसा है मज़े का है ना आपका दिल कर रहा है ना कि आप लोग भी यहाँ पे होते तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये स्नो पड़ती है ना तो वो इतनी अच्छी लगती है मज़ा आता है उसको फील करने में उसमें चलने फिरने में अगर बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर ना होगा ठंडा होना वेदर तो फिर तो आपको ये देख के ना दिल आपका खराब हो जाता है तो बस है ना हम लोग अंदर आए तो हम लोगों ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे दी थी फार्मेसी ड्रॉप ऑफ किया उसको फार्मेसी वाले ने बोला कि थर्टी मिनट्स लगेंगे तो अब हम थर्टी मिनट्स में स्टोर में घूमे फिरे हमने कुछ चीज़ें ले ली एक्चुअली मेरे बच्चे भी इतना थक गए थे कि अम्मा अब घर कब जाना है क्योंकि वो इतना लंबा दिन हो गया था ना और फिर इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर करते करते बहुत टाइम गुजर गया बल्कि मैंने उनको बोला तुम लोग सब सारे लोग मुझसे भी ज़्यादा थक गए हो मैं अभी सही चल फिर रही हूँ तुम लोग इतने ढीले ढीले अम्मा घर चलते हैं अब घर चलते हैं कुछ खाएँ पियेंगे क्योंकि हम लोगों ने खाए पिया था मॉल में और उसको भी अब तक तो दो ढाई घंटे हो गए थे और अब बच्चों को आपका पता है वो उनको भूख लग जाती है तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ से हमारे सारे काम हो गए हैं डन आप स्ट्रेट घर जाएंगे और यहाँ से घर जाके फिर मैंने कुकिंग की थी जो मैंने आपके साथ कल शेयर की थी तो बस से ना आप ये देख लें आप वेदर देख लें चेक कर लें मौसम देख लें और लोग यहाँ भी बहुत कम थे लाइक न्यू ईर की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं सारे लोग बैक टू रूटीन वो कहते हैं ना नॉर्मल अपनी लाइफ पर चले गए इसलिए सब आपको ऐसा नज़र आ रहा है तो चलें जनाब यहीं पे मैं भी कर दूंगी अपने व्लॉग का एंड उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा अगर अच्छा लगा है तो कल फिर आइएगा मेरे चैनल पर मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पर सेम चैनल पर एक नए व्लाग के साथ तब तक रखें आप अपना ख्याल मुझे रखें आप अपनी दुआ में याद टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़